पूरी हार्नेस है, ये कनेक्टर इसके ओरिजिनल लगे हुए हैं। ओके, ये मेन कनेक्टर ओरिजिनल इसको अटैच किया हुआ प्रॉपर पूरा। ठीक है, ये यहाँ पर स्क्रू लगा हुआ है प्रॉपर, चेक लाइट इसमें लगा हुआ है। ये क्या कर रहे हो भाई? इलाके देख रहा हूँ कि डीजल शुरू से लगा हुई प्रॉपर खोल दी है पूरी गाड़ी, आप चेक कर सकते हैं सारे डोर ट्रिम्स पूरे खोल दिए इसके। इवन रूफ रेल भी आप देख सकते हैं, वो भी हमने रूफ जो है इसकी वो भी हमने खोल दी है। अब रूफ रेल मेरे मुंह से निकल गया, तो रूफ रेल की इंस्टॉलेशन इसमें हमारी अभी होनी है। सो और भी दो तीन चीज़ें जो होनी है वो मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके दिखाऊंगा, प्रॉपर दिखाऊंगा। सो वेलकम बैक टू द चैनल, आप देख रहे हो प्रभी सिंह की एक और नई वीडियो। सो आज हम आए हैं कालिबास, जो कि अपना करमपुरा में है हमारे साथ। भाई भाई नाम बताइए अपना। हर बारी नाम पूछते हैं यार, हर वीडियो में गौरव सेठी मेरा नाम है। जब जब वीडियो बनेगी तब तब आपका नाम पूछेंगे। चलो ऐसा कर लो। गौरव भाई हमारे साथ है, आज हमारी गाड़ी रहने वाली है न्यू 2022 ब्रीजा। ब्रीजा मंथ एंड का और ईयर एंड का लास्ट डे है ये, लास्ट वीडियो अपनी। नहीं ऐसे नहीं यार, अभी कल एक परसों आनी है वीडियो, एक और करेंगे अभी अपनी जो अब अपलोड होगी तो एंड आएगी, फिर तो अगले साल ही आएगी, फिर 23 कर देंगे, 23 कर देंगे उसको। और क्या लग रहा है इस गाड़ी के अंदर आज? इसमें बड़ी सारी यूनिक चीजें लगाई हुई है, और VXI मॉडल है, VXI को ZXI में कन्वर्ट किया हुआ उसके ऊपर। अच्छा, तो लग्जरी तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते, लग्जरी मतलब सारे भी बाद में होंगे, जो नेसेसिटी पार्ट्स है और बाहर से इसको ZXI कन्वर्ट करनी थी वो वाले सारे पार्ट्स इसमें लगाए मैंने यार। मतलब सारे जेन्युइन अपने लग रहे हैं, सब जेन्युइन पार्ट्स है, कोई डुप्लीकेट नहीं, कोई कॉपी नहीं, कुछ नहीं है। कॉपी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब जेन्युइन मतलब 100% रूफ में लगा रहे हो आप? अरे यार ऐसे सनग्लास होल्डर है तेरा भला, रूफ में सनग्लास होल्डर भी लगा रहे हैं, रूफ रेल भी लगा रहे हैं, फ्रंट की सीट भी लगा दी, पीछे की सीट लगा दी। अच्छा, बम्पर एक्सटेंशन लगा दी ZXI वाले, फिर सब लगा दिया। फाइनली गाड़ी जो पूरी हमारे पास आ गई है, ये VXI का मॉडल है और दिल्ली की गाड़ी हमारे पास आई हुई है, ये दिल्ली का नंबर है। सो गाड़ी ब्रांड न्यू है, शोरूम से सीधा कस्टमर लेकर आए हैं, और गाड़ी का जो पूरा काम आप देख सकते हैं पूरा ही काम होना स्टार्ट हो गया, डोर ट्रिम्स इसके प्रॉपर खुल गए हैं, डैशबोर्ड का काम अभी हो रहा है, दूसरी तरफ ये काम हो रहा है इसका भी। सो इवन मैट्स के अंदर भी, इसके अंदर आप देख सकते हैं मफलर का भी कोई इंस्टॉलेशन नहीं हुआ हुआ है, पूरी गाड़ी को हमने पूरी प्रॉपर खोल दी है, पूरी गाड़ी आप चेक कर सकते हैं सारे डोर ट्रिम्स पूरे खोल दिए हैं इसके। इवन रूफ रेल भी आप देख सकते हैं, वो भी हमने रूफ जो है इसकी वो भी हमने खोल दी है। अब रूफ रेल मेरे मुँह से निकल गया, तो रूफ रेल की इंस्टॉलेशन इसमें हमारी अभी होनी है। सो और भी दो तीन चीज़ें जो होनी है वो मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके दिखाऊंगा, प्रॉपर दिखाऊंगा, और वीडियो को आपने पूरा देखना है और उसके हिसाब से आप पूरी गाड़ी को चेकआउट कर सकते हैं, किस तरीके से काम खुला था, किस तरीके से बंद हुआ है, क्या प्रोफेशनल तरीके से हमारा काम करने का तरीका है। सो पूरा हम काम करते हैं, पूरा तसल्ली से काम करते हैं, कोई छेड़ाखानी वाला कोई काम नहीं है, काट पीट कुछ नहीं हम करते गाड़ी के अंदर, जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है वही सारी चीज़ें हम करते हैं। पूरी आप रूफ इसकी देख सकते हैं प्रॉपर, पूरी हमने खोल दी है इसकी, है सारे काम प्लग एंड प्ले तरीके से होंगे, सारे प्रॉपर होंगे। गाड़ी जो आई हुई है सेम कार्लिबास पर आई हुई है, कार्लिबास जो है करमपुरा में बढ़ेगा मेरा आउटलेट, ये एक सामने वाली शॉप है वो भी मेरी पुरानी वाली शॉप है, ये भी आप देख सकते हैं, ये सो पूरी गाड़ी की लोकेशन के लिए पार्किंग का स्लॉट का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर, सारी चीज़ें अपने तसल्ली से पूरी पूरी गाड़ी का आप पूरा प्रॉपर काम करा सकते हैं, कहीं रोड पे गाड़ी नहीं खड़ी हो रही आपकी, है दूसरी गाड़ी भी आप देख सकते हैं, ये भी इसकी पूरी गाड़ी का काम हो रहा है, फ्लोरिंग का पूरा काम हो रहा है इसके अंदर, जो पूरी प्लग इन प्ले तरीके से लगती है, सिंगल पीस की फ्लोरिंग इसमें लगती है, ये भी हम पूरी लगाते हैं, इसका भी आपको मैं वीडियो भी शेयर करूँगा जल्दी साथ में इसका भी। सो बने रहने, पूरी वीडियो मेरी देखना, प्रॉपर एक बारी पूरी गाड़ी को चेक करना, किस तरीके से हमने पार्ट्स खोले थे, किस तरीके से बंद किए, क्या उसकी परफेक्शन रही, कहीं से कोई गैप नज़र आ रहा हो तो हमें बताइएगा ज़रूर, कमेंट्स करके ज़रूर बताना किस तरीके का काम लगा, और मैं आपसे जुड़ूंगा एक बारी दोबारा पूरी गाड़ी का काम होने के बाद। ये पूरा देख सकते हैं नीचे का जो स्किड प्लेट है इसकी भी ZXI में लगकर आती है, इससे वो ओरिजिनल पार्ट से वो पूरा ब्लैक आती है ना इसमें, तो हाँ पूरी ब्लैक आती है, इसको खोल के हमने रिप्लेस किया है। ठीक है, फ्रंट में बम्पर एक्सटेंडर लगाया इसके ऊपर, ये ओके फ्रंट के अंदर ये जो फॉगलाइट की गार्निश है ये इंस्टॉल करी गई है। ओके, इसको भी लगाई हमने, हाँ LED फॉगलाइट इसके ऊपर हमने इंस्टॉल करी आज, ये ठीक है जेन्युइन, हाँ जेन्युइन एक्सेसरीज पार्ट है। और एक बात बताओ, ये फॉगलाइट की जगह अपना प्रोजेक्टर इसके अंदर लग सकता है? हाँ लग सकता है, इसको ट्रिम कर सकते हैं थोड़ा सा, अंदर का जो फ्रेम है वो नॉर्मल है, 4 स्क्रू में लगता है वो। अच्छा, और जो नीचे का जो पार्ट है उसको हम यहाँ पर ट्रिम कर सकते हैं थोड़ा सा कर सकते हैं, हाँ इजी है, कोई बड़ी जॉब नहीं है वो।
अच्छा इजी जॉब है। उसमें फिर लाइट कैसी है? इससे लाइट इसमें प्रोजेक्टर लगा, हाँ इसमें तो बहुत ज्यादा लाइट है उसके अंदर, तो फिर वही लगाएंगे अगली बार। नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं, वो नेक्स्ट ऑप्शन में रखेंगे, एक वीडियो बनानी है उसके अंदर बनाएंगे वो। ठीक है ठीक है भाई, आप तो करते रहो काम, क्यों रुक गए? स्किड ब्लेड इसमें ओरिजिनल लगाई हुई है, जिसको ब्लैक को हटा के हमने ये करा है, फ्रंट एक्सटेंडर इसमें लगाया हुआ है। ठीक है, साइड में इसके ऊपर हमने ये डोर के ऊपर बिडिंग लगाई है सिल्वर के साथ क्रोम फिनिश में। ठीक है, ये पूरी आप देख सकते हैं प्रॉपर मेरी जनरल एक्सेसरीज का पूरा पार्ट है, बाउंडर इसका बना हुआ है, लगता है पूरा, मतलब 0 to 0 फिटिंग, 0-0 फिटिंग है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। डोर वाइजर क्रोम में, ठीक है, ओरिजिनल पार्ट सेम बाउंडर मिला हुआ है, माउंटेड मिला हुआ है। रूफ रेल जो इसके अंदर हमने लगाई है, बीच ये क्या कर दिया जो की ब्लैक लगी हुई थी, ब्लैक को उतार के हमने सिल्वर में कन्वर्ट कर दी। ये कराओ, बहुत अच्छी चीज है, जेन्युइन गाड़ी की ना लुक ही बदल देता अलग से। इसमें आप ये देखो अंदर का जो कैमरा, ये भी हमने जेन्युइन इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। अरे वाह, पहले बोल रहा तुम्हारे को दिखा दो। इसे ट्रिप अभी खुल रहा है तो उसकी वायरिंग हमने सब हो चुकी है अंदर ये। ठीक है, तो पूरा प्लग एंड प्ले वायरिंग कौन सी इसमें से कैमरे की? ये रही ना, एक ही कपलर कंपनी से बना हुआ आता है। अच्छा, सिर्फ इसे प्लग करना होता है और कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा कोई तारे तुरे कुछ नहीं बनानी, कुछ नहीं करना, सब प्लग एंड प्ले पूरा बना हुआ आता है गाड़ी के हिसाब से। क्या बात है, हां आज तो आर्मरेस्ट नहीं लगा हुआ। हां आर्मरेस्ट भी लगाएंगे, इसकी फिटमेंट आप दिखाओ आपकी बारी आज, पता लगे ना अंदर कुछ और ही चल रहा है काम। हैवी उम्मीद भाई, अंदर कुछ और ही चल रहा है काम, दिखा कुछ और रहे हैं, लगा कुछ और रहे हैं। नहीं नहीं यहाँ तो सब लगाता हुआ, सब आपको वर्किंग दिखा रहे हैं साथ साथ, स्माइल दे रहे हैं, स्माइल अभी भी है राजा बाबू रहे हैं हमारे। ठीक है, ये लाइट खोल रहे हैं, लाइट खोल रहे हैं, आओ फिर आगे तो दिखाओ थोड़ा सा, अभी दिखा दे और क्या, दिखाई दो थोड़ा सा, आ ही गया वीडियो के अंदर तो। ये भी खत्म, क्या दिखाना है, कुछ दिखाना ही नहीं है अभी, हम थोड़ा सा इसको एडवांटेज अभी लेंगे ना, थोड़ा सा भी काम होने दो, उसको दोबारा दोबारा जुड़ेंगे इसमें आके एक बारी, इसमें कर ही दो आप कवर आप। हाँ, ये ऊपर तो क्या लगाना आपने, इस पे कटिंग कर दी है ना पूरी, पूरा कटिंग कर दी, सनग्लास होल्डर लगेगा इसको, इतना अभी कटिंग करनी जरूरी है, बहुत जरूरी है, उसमें वो स्लॉट आता नहीं ना, इजी जॉब है, कटर से कटता थी, बहुत बिल्कुल बेसिक है वो, नॉर्मल है, कोई हाई टॉप वाला काम नहीं है उसमें। कई कहते हैं नहीं ऐसे फिट हो जाता, नहीं नहीं अरे ऐसे हो ही नहीं सकता, वो इतना बड़ा पार्ट है, इतना सब कुछ है, वो हो ही नहीं सकता, लगा दो ऐसे चिपका चुकू के इसके अंदर, अरे चिपकाना नहीं है यार, इसमें जो आरसी लीवर है इसको भी हम अभी चेंज करेंगे, क्रोम से कन्वर्ट करना है इसको भी। ठीक है, तो जेन्युइन पार्ट आता है इसका भी, एक से वाला डोर में ट्रिम्स लगाएंगे वाला, सॉरी डोर में, यार तुम सब बताए जा रहे हो, अब कवर कर दो ना एक एक करके, मैं पूछ रहा हूँ लगाई कि नहीं लगाई। अच्छा लगा चुके हो भाई, खोल ही ऐसे रहे तो डरा रहे हैं, टूट गया ये ट्रिम, इसके ऊपर इंस्टॉल कर दी है, हाई ग्लॉस ही, हाई ग्लॉस करी है। ठीक है, क्या बात है, ओरिजिनल चाहिए वो भी मिल जाएगी, ओरिजिनल चाहिए सब मिलेंगी, ये अपनी वैसे कौन सी है, ओरिजिनल पार्ट है, ओरिजिनल को हाई ग्लॉस किए हुए। अच्छा, उसी को ही हाई ग्लॉस कर दिया, और पैसे भी सबसे बड़ी बात जो जर्मन के पार्ट है उसी के पैसे में ले रहा हूँ। अच्छा, 230 रुपए एक पार्ट के, पर ये चमक ज्यादा रहा है, ज्यादा सुंदर लग रहा है, अच्छी है, तो पार्ट तो सही अच्छा ही है, देखो सारे ट्रिम्स में चेंज कर चुके हैं भाई, अपना आर्मरेस्ट एक बार देख लो दोबारा, ये इसकी आरसी लीवर, इसके ओरिजिनल लगे हुए हैं। ठीक है, ये क्रोम वाले पार्ट लगेंगे इसके, हाँ ये क्रोम रिप्लेस होगा इसके ऊपर भी। ठीक है, कांडी लग रही है? नहीं नहीं, कांडी वाली भी लग रही है, नहीं लग रही भाई, आर्मरेस्ट दोबारा दिखाते हैं, ओरिजिनल है पार्ट, एक बार थोड़ी देर बाद दोबारा रेडी करते हैं, तो फिर वायरिंग वायरिंग दिखाओ यार आप, वायरिंग का तो खेल है, वायरिंग तो होने दो ना, जब ये ऐसे में दिखाओ, तो ये मार्केट वाले कॉपी कर रहे थे इसको हमारी, ओहो तो सुबह हुआ ऐसे। ठीक है, फिर वो रेडी होती तो फिर आते दोबारा करते ना एक बारी। ठीक है ठीक है, चलो फिर बाद में बनानी वीडियो। नहीं नहीं, बाद में क्यों बनानी है, तो चालू कर दो, इधर कहाँ गए यार, ये क्या कर दिया आपने, ये क्या पूरी छत ही ले आए क्या, पूरी छत ब्रीज आ गई। अच्छा वो, अच्छा वहाँ थी नहीं छत, इधर सनग्लास होल्डर लगा दिया ना ओरिजिनल, ओरिजिनल वाला
ऐसा लग रहा है वो आ रही है, मैं गैप आ रहा बहुत सारा है ना। नहीं नहीं वो सब क्लियर हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। लगाया कैसे, ग्लूगन से? हाँ ग्लूगन से पता, वो लॉक कर देते हैं इसको, तो निकलने का कोई प्रोसेस नहीं है इसके अंदर। ग्लूगन से कैसे चिपक गया ये भाई साहब? मास्टिक की हुई है इसके अंदर हमने, ये जितने पार्ट देखो ना ये सब, ये सब ग्लूगन से चिपकते हैं। इधर आके देखो, ये देखो भाई, कमेंट करके बताना ओरिजिनल है। हाँ ये देख लो भाई, ओरिजिनल है नहीं है ये, माइक लगा हुआ इसका ओरिजिनल, ठीक है। ये इसके अंदर बल्ब, ये देखो ये देखो ये देखो, इधर आओ, आप कह रहे हो ना ये चिपक जाता है, ये उधर पार्ट इससे चिपका हुआ है, ग्लूगन ही तो लगी हुई कंपनी से आई है ये। कंपनी की है ना ये, वाइट है वो, येलो है। ओए होए वो कलर पाछड़े उन्होंने एमओ लगाई है, सॉरी की कहते ने उन्होंने होम। अरे बच्चे नु लेंदे ने ना, ओ जा भाई यार, अबे भूल ही गया, शहद शहद पाया, शहद पाया, शहद पाया। चलो ठीक है, पूरी रेडी हो रही एकदम, हो जाए तो फिर दोबारा आवेंगे तुम्हारे नाल। ठीक है ठीक है। सो गाइस अपनी गाड़ी रेडी हो चुकी है, ब्रीजा फुल रेडी हुई है 2022। एलईडी की जो फोकलेट हमने इस पर ओरिजिनल डाली हुई है, हाँ इसके लिए बॉडी हार्नेस प्रॉपर बॉडी डाली हुई है, ठीक है। ये लगी हुई है, ये पूरी हार्नेस है, ये कनेक्टर इसके ओरिजिनल लगे हुए हैं, ये मेन कनेक्टर ओरिजिनल इस पर अटैच किया हुआ प्रॉपर पूरा, ठीक है। ये यहाँ पर स्क्रू लगा हुआ है प्रॉपर, चेक नट इसमें लगा हुआ है, चेक नट, ठीक है। तो पूरी एकदम लॉक है, कोई ऐसा कुछ वो वाला पार्ट नहीं, ऊपर से चढ़ाई हुई है सब पे प्रॉपर, पूरी स्लीव लगी हुई है, पूरी अंदर तक जा रही है, पूरी स्लीव है, कहीं से कुछ काटा वाटा वगैरह कोई काम नहीं है। okay. जैसे ही गाड़ी में देखो स्लीव आती है ना लगी हुई, हमने नहीं लगाई है, सब स्लीव है, ये सब स्लीव है, पूरी प्रोसेस हमारा भी है सेम, ठीक है। मतलब दिखाने का पर्पस है कि ओरिजिनल वायरिंग इस पर डाली हुई है। ओके ओके, डोर ट्रिम्स इसकी प्रॉपर पूरी बंद हो गई है, ठीक है। इस पर ये जो फिनिश लगाई हुई हाई ग्लॉस इसको हमने लगाया हुआ है, ओके। आरसी हैंडल इसमें आप देखो पूरे कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। पहले ब्लैक थे ना, पूरे पहले ब्लैक थे ये, ठीक है। अंदर जो इसके अंदर इसको इंस्टॉल किया है, ये भी पूरा प्लग एंड प्ले तरीके से पूरा इंस्टॉल किया हुआ है, इसके ऊपर सनग्लास होल्डर, ओके। सीट लाइट भागने वाले वाला कोई चक्कर नहीं है, निकलने वाला कोई प्रोसेस नहीं है, पूरी लाइट प्रॉपर पूरी बंद हो जाती है ये। कोई खड्डे में वाइब्रेशन कुछ? हाँ जी हाँ जी, वाइब्रेशन कुछ? कोई वाइब्रेशन नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। अंदर से आपको दिखाई थी ना मैंने वो सीलिंग, हाँ, हाँ, शहर जो डाला था, हाँ जी। वो है इसमें, ठीक है ठीक। तो प्रॉपर पूरी सील है, ओके। कोई छेड़ाखानी वाला कोई काम नहीं किया हुआ, ठीक है। आर्मरेस्ट लग गया अपना, आर्मरेस्ट प्रॉपर लगी है ना? नहीं ये कंपनी से लगकर आती है पूरा, हाँ उसका भी वीडियो मैं आपको दे दूंगा, पीछे मैंने पूरी बनाई है वो आपको डाल दूंगा, तो आप पूरा प्लग एंड प्ले कर सकते हो। उसका जो सॉकेट का करंट लिया जाता है वो 12 वोल्ट यहाँ से लिया जाता है वो, ठीक है। और उसमें पूरी कनेक्ट लिया जाता नहीं, सीरो से नहीं लेते हम, तारे वारे नहीं काटते, इससे ओरिजिनल कनेक्टर है, पीछे ओरिजिनल कनेक्टर यूएसबी में लग गया, ओके। प्रॉपर पूरा सी टाइप केबल लगा के दिखाता हूं भाई, ब्रांड न्यू कार है अभी पूरी, टिंगी में अपना लग गया कैमरा इधर प्रॉपर, हां जी प्रॉपर कैमरा, हां कैमरा इसमें ओरिजिनल इंस्टॉल किया गया, हां ये भी प्रॉपर है, हां पूरी प्लेसमेंट इसकी ओरिजिनल है, कोई छेड़खाने वाला कोई प्रोसेस नहीं है, ये पूरा लॉक वॉक सब कवर पूरा चेंज होता है इसका, ठीक है ठीक है ठीक है। परसेंट है इसका ओरिजिनल लगा दिए इसके अंदर हमने, जो अपना भाई ये पुराना था आमरेस वो पुराना निकल गया इधर को आ गया, ये वाला चेंज हुआ पार्ट अपना, हाँ ये पीछे का पूरा पार्ट चेंज हुआ, ये पीछे का कंसोल का पार्ट पूरा चेंज हो गया, एसी वेंट वही निकलते हैं वही वापस लग जाते हैं, बूट लैंप अपना लग चुका है वहां, हाँ बूट लैंप इसको आप देख सकते हो पूरा लग गया, ये पार्किंग ऑन करूंगा तो जलेगा वो भी दिखाता हूं। अच्छा, पार्किंग के साथ करा हुआ है, करो मैं करता हूं मेरे और भाई, इधर अपना मड फ्लैप लगा रहे हैं, जनवर जनवर है ना अपना, हां जी
ये पार्किंग थी? के साथ ही रात में अपना यूज हुआ तो और क्या, दिन में तो जरूरत है नहीं करंट देने को, कोई फायदा नहीं है। अच्छा, तो इसीलिए इसकी पार्किंग से कनेक्शन करते हैं, पार्किंग ऑन होगी तो इसमें लाइट ऑन हो जाएगी, उसका जो बल्ब है वो येलो आता है उसको भी हमने चेंज किया इसके अंदर ही। चलो ठीक है, ठीक है, ये प्लस पॉइंट हो गया ना अपना। मतलब बेसिकली वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि जितनी भी एक्सेसरीज उसमें लगाई है सब जेन्युइन एक्सेसरीज लगाई है, कुछ कॉपी नहीं लगाया हुआ। ठीक है, पार्सल ट्रे के लिए हुक प्रॉपर दिया हुआ है, थ्रेड प्रॉपर दिया हुआ है। ठीक है, पार्सल ट्रे भी नहीं आती। अच्छा, आगे भी अगर आप देखोगे तो आगे के अंदर यूएसबी का स्लॉट में आपको ये उल्टी है क्या? सॉरी यार, सीट पे लग गया, गाड़ी ऑन करनी पड़ेगी क्या? शायद करनी पड़े। हाँ, हो गया। ओए ऑन तो है गाड़ी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, प्रॉपर पूरी चार्जिंग हो गई। सी टाइप ओरिजिनल चार्जर है, प्रॉपर इसमें करंट आ रहा है। हाँ आ गया ना। सो भाई जेन्युइन तरीके से जेन्युइन वायरिंग लगाओ और जेन्युइन यूएसबी सॉकेट लगाओ, जेन्युइन वायरिंग लगाओ, फास्ट चार्जर, सब कुछ जेन्युइन है। क्या बात है, नाइस। इसमें लाइट अगली लगी भी नहीं आती, येलो आती है उसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया, आगे भी येलो ही आती है, वाइट कर दिया हमने कन्वर्ट, सब कुछ प्रॉपर हो गया इसके अंदर, पूरा प्लग एंड प्ले पूरा तरीके से पूरा काम हो गया। रूफ रेल अपनी लग चुकी है भाई, लाइट लोड हो गई थी, सब पैक हो चुका प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर पूरी तरीके से एसयूएस प्रॉपर पूरी हो गई है। रूफ रेल की भी जो फिटमेंट है, ये गाड़ी हिल रही है, रूफ रेल नहीं हिल रही, ये सेंटर से ठहरा हुआ है। ये क्या कर रहे हो भाई, हिलाते दिखा रहा हूं, ये जनरल रूफ रेल लगाई है। चलो ठीक है, डोर रेजर तो लगाई होती तो अब ये डेड हो चुकी थी, ये पर फिक्सर से उड़ चुकी होता, सब बाहर होती बाहर। सो प्रॉपर पूरे नट बोल्ट से, उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको मैं प्री शॉट एक दे दूंगा, तो आप करके आप इसमें डाल देना। ओके ओके, चलें फिर कस्टमर के पास चलें सीधा, कस्टमर से पता रिव्यू मिलेगा नहीं मिलेगा, थोड़ी सी तबीयत उनकी ठीक नहीं है। अच्छा, तो देखते हैं, लेट भी बहुत हो गए ना, उन्होंने घर भी कोई नहीं, फिर हम ही एंड कर देंगे, हम ही कर देंगे। ठीक है। हाँ जी गौरव भैया, अगर किसी को ये वाला काम कराना है अपनी ब्रीजा में, जेन्युइन पार्ट्स लगाने हैं, तो एक बार लोकेशन बता दो कहाँ पर आना है। मेरी सेम मोबाइल सेम लोकेशन है, करमपुरा में पड़ती है, A225 कार निवास के नाम से है, और मोतीनगर और कीर्ति नगर मेरे बहुत पास में मेट्रो स्टेशन है। सो ये मेरा एड्रेस है और मेरा मोबाइल नंबर भी आपको बता देता हूँ मैं, 9811632352 999063352। कर दे फिर एंडिंग। हाँ कर दो जी, कर दो। कोई डिस्काउंट? डिस्काउंट तो जो आएगी गाड़ी में कर देंगे, जो मेरा बेस्ट डिस्काउंट है मैं सारा करके दूंगा, काम प्रोफेशनल तरीके से करके देंगे। और अपनी गाड़ी लेकर आओ, अपना प्यार दो, गाड़ी पे काम कराने की जिम्मेदारी, काम करने की जिम्मेदारी मेरी है प्रॉपर पूरी। क्या बात है, चलो ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। ओके, टिल देन बाय, थैंक यू। चंगा जी, चंगा जी।